हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्यपुस्तक हिंदी व्याकरण के अनुच्छेद लेखन के बारे में पढ़ेंगे कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है। जैसा कि निबंध और अनुच्छेद में अंतर होता है, निबंध का मतलब उसमें हम विस्तार से पूरी बात लिखते हैं और अनुच्छेद का मतलब होता है कि हम कम से कम शब्दों में अपनी बात को एक पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं। ठीक है, देखिए हिंदी में अनुच्छेद शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के पैराग्राफ शब्द के पर्याय के रूप में किया है। मतलब हमको एक ही पैराग्राफ के अंतर्गत अनुच्छेद को लिखना होता है। इसके अंतर्गत केवल किसी एक भाव या विचार की पूर्ण किंतु संक्षिप्त अभिव्यक्ति की जाती है। इसके अंतर्गत कोई एक ही विचार होता है, उसी के बारे में हम लिखते हैं। जैसे कि निबंध में हम पक्ष और विपक्ष दोनों के बारे में लिख सकते हैं, तो ये जो अनुच्छेद लेखन होता है इसमें किसी एक पक्ष के बारे में ही हम लिख सकते हैं। इसमें निबंध की तरह संबंधित विषय के विभिन्न पहलुओं पर विचार न करके उसके किसी एक पहलू का संक्षिप्त वर्णन किया जाता है। जैसे निबंध में हम शुरुआत में क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार से हेडिंग डालकर लिखते हैं। सबसे पहले निबंध की हम भूमिका लिखते हैं, फिर इसका विषय वस्तु क्या है वो लिखते हैं और अंत में उपसंहार लिखते हैं। तो अनुच्छेद में ऐसा नहीं है। अनुच्छेद में हम संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखकर प्रत्येक बिंदु पर कम से कम शब्दों में अपनी बात को लिखते हैं, वो भी एक पैराग्राफ के अंतर्गत। इसमें बहुत ही कम शब्द होते हैं। जैसे जो एक सामान्य अनुच्छेद होता है आकार में 10 या 15 पंक्ति अथवा 100 या 150 शब्दों का होता है। 100-150 से अधिक शब्दों में हमें अनुच्छेद नहीं लिखना होता है। यह आकार इससे कम या कुछ थोड़ा बहुत अधिक हो सकता है। इसका आकार अनुच्छेद में व्यक्त भाव या विचार की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसा अनुच्छेद होगा उसकी प्रकृति के आधार पर ही हम लिखेंगे। 100 या 150 शब्दों से अधिक प्रयास करना चाहिए कि इतने में ही हमें अनुच्छेद लिखना है, इससे अधिक शब्दों में अनुच्छेद हम न लिखें। अनुच्छेद का विषय शिक्षा, खेल, समाज, राजनीति, साहित्य, भाषा आदि किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकता है। एक ही विषय पर अनेक अनुच्छेद हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक अनुच्छेद लेखक का उस विषय से संबंधित ज्ञान और अनुभव अलग अलग होता है। सबकी भाषा और शैली भी एक दूसरे से अलग होती है। अनुच्छेद की जो परिभाषा है, 10-15 पंक्तियों में किसी विषय पर लिखी गई वह गद्य रचना है जिसमें दिए गए विषय से संबंधित कोई एक भाव या विचार संक्षिप्त रूप से व्यक्त किया जाता है। कहने का मतलब निबंध जो होता है इसको हम विस्तार से हेडिंग के साथ लिखते हैं, उसकी पहले भूमिका रचते हैं कि उसमें क्या क्या हमें लिखना है और बहुत अधिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। और निबंध का ही लघु रूप होता है अनुच्छेद। तो अनुच्छेद को हम एक ही पैराग्राफ के अंतर्गत लिखते हैं और इसमें कुछ संकेत बिंदु होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए, और इसमें कुछ हम हेडिंग का प्रयोग नहीं करते। तो इसकी मेन बात है कि इसमें केवल एक ही अनुच्छेद होता है। इसमें रूपरेखा पहले से ही बना ली जाती है, संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है और इसमें जो विषय वस्तु होता है वह केवल एक ही पक्ष में लिखा होता है और छोटे छोटे वाक्यों का इसमें हम प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि अनुच्छेद की और क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अनुच्छेद के जो वाक्य होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं
और भाषा विषय के अनुरूप भावात्मक, ओजस्वी और प्रभावपूर्ण होती हैं। अनुच्छेद में कथनों और तथ्यों का अनावश्यक विस्तार नहीं होता और न ही उनकी बार बार पुनरावृत्ति होती है। भाषा और विचारों की स्पष्टता अनुच्छेद का सर्वप्रमुख गुण होता है। अनुच्छेद कलात्मक न होकर तथ्यात्मक अधिक होता है। उसमें अपने मन की बात को हम लोग अच्छे से प्रकट करते हैं। अब हमें ध्यान देना है कि अनुच्छेद लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा कि अनुच्छेद किसे कहते हैं और अनुच्छेद की क्या विशेषताएं होती हैं। अब हम देखेंगे कि अनुच्छेद लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय भाषा का प्रवाह बना रहना चाहिए और सीधी, सरल और स्पष्ट भाषा में हमें अनुच्छेद लिखना चाहिए। मुहावरों, लोकोक्तियों और सूक्तियों का भी उपयोग हमें करना चाहिए। शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय भूमिका और उपसंहार नहीं लिखना चाहिए। जैसा कि निबंध में हम लोग भूमिका, विषय वस्तु, उपसंहार, प्रस्तावना ये सब लिखते हैं ना, तो इस तरह से अनुच्छेद में हमें नहीं लिखना चाहिए। निबंध का छोटा रूप अनुच्छेद होता है, लघु रूप, और अनुच्छेद में हमें विषय वस्तु पहले से ही पता होती है, उस आधार पर संकेत बिंदु को ध्यान में रखते हुए लिखना चाहिए और इसमें कोई हेडिंग नहीं डालनी चाहिए। जैसे प्रस्तावना, भूमिका, विषय वस्तु, उपसंहार ये सब इसमें नहीं लिखा जाता है। किसमें? अनुच्छेद लेखन में। अनुच्छेद भले ही सीमित शब्दों में लिखा जाए परंतु उसमें विषय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश होना चाहिए। अगर अनुच्छेद हम विस्तार पूर्वक नहीं, सीमित शब्दों में, कम से कम शब्दों में लिखते हैं तो उसमें मेन जो बात है उसको लिखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुच्छेद लेखन मात्र एक अनुच्छेद में ही लिखा जाए। अनुच्छेद का मतलब पैराग्राफ। पैराग्राफ को हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं। केवल एक ही अनुच्छेद में हमें अपनी पूरी बात लिखनी होती है। और जब अनुच्छेद हम लिखते हैं तो पहली पंक्ति के आरंभ में कुछ स्थान को छोड़कर ही लिखना आरंभ करना चाहिए। जैसे मान लीजिए अनुच्छेद हमें लिखना हुआ किसी बात पर, तो ये आपका पेज है रेड लाइन, तो हमको यहाँ से न लिखकर लाइन थोड़ा यहाँ पर आपने हेडिंग डाला और ये जो लाइन है यहाँ से न लिखकर थोड़ा सा जगह छोड़कर हमें यहाँ से लिखना चाहिए। इसके बाद अगली लाइन से हम ऐसे लिखेंगे अनुच्छेद। तो इस तरह से हमें अनुच्छेद लिखना चाहिए। और अनुच्छेद में बहुत अधिक काट छांट भी नहीं करनी चाहिए। अधिक काट छांट अगर हो जाएगी तो साफ और सुंदर लेख जो है वो हमें नहीं दिखाई पड़ेगा। तो चलिए एक अनुच्छेद के बारे में हम लोग बात करते हैं कि कैसे अनुच्छेद लिखते हैं। जैसा कि एक प्रकरण आपके सामने है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। प्रकरण आपका है, यहाँ पर आप हेडिंग डालते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। ये अनुच्छेद की हेडिंग है और इसी को हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर जो हमारी लाइन है बाएं साइड में, हमको यहाँ से ना शुरू करके यहाँ से शुरू करना है। इसके बाद हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। इसका मतलब कि हमें बिना विचारे, बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर हम बिना सोचे समझे कोई काम करते हैं तो हमसे गलती हो जाती है, तो हमें बाद में पछताना पड़ता है, ठीक है। तो ये हेडिंग है
और कुछ संकेत बिंदु हैं। यहाँ पर संकेत बिंदु लिख दिया जा रहा है, लेकिन इसको आपको लिखना नहीं है, इसी को ध्यान में रखकर अनुच्छेद को लिखना है। जैसे इसमें क्या किया जा सकता है, हेडिंग में आप लोकोक्ति का सबसे पहले अर्थ लिख सकते हैं। ये मुहावरा नहीं है, लोकोक्ति है। लोकोक्ति मतलब लोक में प्रचलित। तो लोकोक्ति का आप सबसे पहले अर्थ लिख सकते हैं और इसके बाद आप विवेक का महत्व लिख सकते हैं, इसमें क्या बताया गया है, इसके महत्व के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं चाणक्य की सफलता का रहस्य। मतलब अगर हम इस तरह से कोई कार्य करते हैं तो हमारी सफलता का क्या रहस्य है, सफलता का रहस्य। और एक हेडिंग आप डाल सकते हैं दूरदर्शिता से अच्छा परिणाम। दूरदर्शिता से अच्छा, दूरदर्शिता से अच्छा परिणाम। ये आपके संकेत बिंदु हैं, ठीक है। तो इस आधार पर आपको लिखना है। अब जब आप शुरू करेंगे तो ये बाएं ओर से शुरू करना है और कुछ जगह छोड़कर यहाँ से हम लिखेंगे और ये जो बाई डाइन है उसको अगली पंक्ति जो लिखेंगे उसको बाएं ओर से टच करके लिखेंगे। इस तरह से हमें अनुच्छेद लेखन करना है और अनुच्छेद लेखन को हेडिंग डालकर बहुत बड़े में विस्तार पूर्वक नहीं लिखेंगे, केवल एक ही पैराग्राफ अनुच्छेद में लिखेंगे। अब जैसे इस पर हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं कि यूं तो मनुष्य विवेकशील प्राणी है, उसके पास बुद्धि है, क्योंकि बोलने का वरदान ईश्वर ने सिर्फ मनुष्य को ही दिया है। पशु पक्षी जो बोलते हैं वो केवल ध्वनियाँ होती हैं, वो भाषा नहीं कहलाती। तो बोलने का अधिकार केवल मनुष्य को ही प्राप्त है, सोचने समझने की शक्ति, और इसलिए हमें सोच समझ कर ही कार्य करना चाहिए। अगर हम सोच समझ कर कार्य नहीं करते हैं तो अगर कोई काम हमारा बिगड़ जाता है तो बाद में हमें पछताना पड़ता है, ठीक है। कार्य आरंभ करने से पहले उसके दूरगामी दुष्परिणामों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अगर काम बिगड़ा तो इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो व्यक्ति के हाथ में असफलता और निराशा आ जाती है अगर काम बिगड़ता है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो जो भी काम है हम कर रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। इस तरह से काम बिगड़ जाता है, हमें योजना बनाकर कार्य करना चाहिए और सोच समझ कर कि इसका दूरगामी परिणाम क्या हो सकता है। अब जैसे इसी बात पर एक छोटी सी कहानी आप लोग सुनिए। एक बार एक औरत थी, उसके पास एक जंगल से एक नेवला का बच्चा आ गया था और उस नेवले के बच्चे को उस औरत ने पाल लिया था, अपने घर में पालतू बना लिया था। तो नेवला धीरे धीरे जब बड़ा होने लगा तो वह उस औरत के बच्चे के साथ खेलने लगा। और एक दिन की बात है, उस औरत का पति अपने काम पर चला जाता है और जो औरत होती है वो नदी पानी भरने चली जाती है और बच्चा उसका सोया रहता है और नेवले से कहकर जाती है कि तुम बच्चे की रक्षा करना। और जब वो चली जाती है तो एक सांप जंगल में से आता है और उस बच्चे के पास जाता है। तो नेवला जब देखता है कि सांप जो है बच्चे को डसने जा रहा है तो वो सांप को मार डालता है और जब उसको मार देता है तो नेवले के मुंह में पूरा खून लगा होता है और वो सोचता है कि मैंने बहुत ही अच्छा काम किया है। वो खुशी के मारे जाकर दरवाजे पर सबसे आगे उस औरत का इंतज़ार करता है।
तो वो औरत आती है और घड़े में पानी ली रहती है अपने सर पर। वो नेवले के मुंह में जब खून देखती है तो सोचती है कि लगता है इस नेवले ने मेरे बच्चे को मार दिया है। तो वो बिना सोचे समझे अपने सर पर से पानी का वो घड़ा लेकर नेवले के ऊपर पटक देती है। अब नेवला तो छोटा सा रहता है, उसके ऊपर घड़े से भरा जब पानी पटक दिया जाता है तो नेवला तुरंत उसका दम निकल जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब दौड़कर अंदर जाकर देखती है तो उसका बच्चा सोया रहता है और जमीन पर एक बड़ा सा सांप मरा पड़ा रहता है। तो उसको बहुत पछतावा होता है, वो सोचती है कि मैंने बिना सोचे समझे नेवले को मार डाला और नेवले ने तो मेरे बेटे की रक्षा की थी। तो इस प्रकार से वो अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अगर हम बिना सोचे समझे कोई कार्य करेंगे तो बाद में हमें पछताना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे अनुच्छेद हैं। अगर अनुच्छेद लेखन लिखना हो तो जो भी नियम बताया गया है उस आधार पर आप लोग अनुच्छेद लिखेंगे। इसमें संकेत बिंदु को ध्यान में रखते हुए एक ही पैराग्राफ में आप अनुच्छेद लिखेंगे और 100 से 150 शब्दों में ही आपको लिखना है। उससे बड़ा अगर आप लिख देंगे तो वो निबंध की श्रेणी में आ जाएगा और निबंध में हेडिंग होता है, अनुच्छेद में हेडिंग नहीं होता। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद कैसे लिखते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। अनुच्छेद में एक भाव या विचार की प्रधानता होती है। अनुच्छेद का विषय कुछ भी हो सकता है। एक सामान्य अनुच्छेद में 10-15 पंक्तियां या 100 से 150 शब्द होते हैं। भाषा और विचारों की स्पष्टता अनुच्छेद का सर्वप्रथम गुण होता है। तो अनुच्छेद लिखते समय हमें हर चीज का ध्यान देना होता है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अनुच्छेद कैसे लिखना है अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सब इसके फॉर्मेट को नोट करें अपनी फेयर कॉपी में और अनुच्छेद लेखन के बारे में लिखें ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो अब आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रकरण के साथ। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।